हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी कैप्सूल सीरीज़। इस सीरीज़ का पहला टॉपिक है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि पाया जाता है फ्रेश वाटर और मैराइन इन्वायरमेंट में, माइक्रोस्कोपिक होता है, हम अपनी आईज से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, फ्लोट करता है पैसिवली वाटर करंट के साथ, इसलिए इसको प्लैंकटन बोलते हैं। मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके अंदर इंक्लूड है डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी, जो कि इसके दो एग्जांपल्स हैं। अब हम इनको कुछ सिंपल निमोनिक्स के थ्रू याद करने वाले हैं। पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको याद हो जाएगा एक सिंपल निमोनिक्स के थ्रू। तो जो अपनी ट्रिक है वो है क्राई फिश मारी प्लान से सिंथेसिस करके दिया गोल्ड मैन को। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी कि कैसे ये काम करेगा। तो देख सकते हैं क्राई फिश है, इसको मार दिया है और मारने के बाद प्लान से मारा है, सिंथेसिस करके दिया गोल्ड मैन को। तो ऐसे आप इसको याद कर लीजिए, आपको पूरा पैराग्राफ याद हो जाएगा। तो अपनी जो निमोनिक है वो देखते हैं कि क्राई से हो जाएगा क्राइसोफाइट, फिश से हो जाएगा फ्रेश वाटर, मारी से हो जाएगा मैराइन वाटर, प्लान से हो जाएगा प्लैंकटन, सिंथेसिस से हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, दिया से हो जाएगा डाई एटम, गोल्ड मैन से हो जाएगा गोल्डन एल्गी। ऐसे आप इसको पूरे पैराग्राफ को याद कर सकते हैं। एक और टॉपिक है जो कि है डाई एटम। डायटम्स जो होते हैं इनकी सिलेशियस सेल वॉल होती है, जो कि टू थिन ओवरलैपिंग सेल से मिलके बनती है, जो कि ऐसे फिट हो जाती है एक दूसरे के साथ जैसे कि एक सोप बॉक्स हो। तो सेल वॉल है इनकी, वो इन डायटम्स के डेथ के बाद जो इनकी सेल वॉल है वो अपने हैबिटेट में टूटकर गिर जाती है, बिलियंस ऑफ ईयर तक वहीं पर पड़ी रहती है, उसी को हम डायटमिक्स अर्थ बोलते हैं। उसका इस्तेमाल किया जाता है पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बता देना कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा।